जी आज आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, प्रेस वार्ता क्यों रखी है? आज मैंने इसलिए प्रेस वार्ता रखी कि कल जोबट विधानसभा का मतदान होना है। मुझे आशंका है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेताओं द्वारा दबाव द्वारा कई इलाकों में इनकी प्लानिंग हुई, जैसे इंदर सिंह की चौकी से लेकर खट्टाली तक बूथ एजेंट नहीं बैठने देने की धमकी दी जा रही है कार्यकर्ताओं को, और खुलेआम धमकी दी जा रही है इंदर सिंह की चौहान, नागर सिंह चौहान और उनके परिवार द्वारा, जो कि आपराधिक तत्व के लोग हैं, वहाँ पे कार्यकर्ताओं को चमकाया जा रहा है। और ऐसी कई हैं, हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत की थी, इंदर सिंह चौहान जो कि एक जिला बदल भी है, कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की है, ऐसे कई घटनाएं हैं। और कलेक्टर महोदय द्वारा जो कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जिनके 2 केस 3 केस ऐसे में तत्काल एक दिन बिगर सवाल जवाब पूछ के जिला बदल कर रहे हैं, और इंदर सिंह चौहान जिनके जो कि पूर्व कलेक्टर ने भी और पूर्व एसपी ने, जिला पंचायत सीओ ने जिला पंचायत मतलब जो जिला बदल की कार्रवाई की थी, लेकिन ये एसपी ने फाइल दबा के जो खुलेआम गुंडागिरी करवा रहे हैं प्रशासन द्वारा, तो हमने इसकी चुनाव आयोग में शिकायत की और मतदान शांतिपूर्वक नहीं होने की आशंका जताई जा रही है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और दूसरा, यहाँ पे प्रभारी मंत्री और कई मंत्री, पंचायत मंत्री और पूर्व विधायक, विधायक अभी क्षेत्रों में, ग्रामीणों में अंदर के अंदर डटे हुए हैं और मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, जो कि चुनाव का आयोग का नियम है कि 72 घंटे पहले सभी अपने अपने क्षेत्र छोड़ के अपने क्षेत्र में चला जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी भी हमने शिकायत की है। और गोविंद राजपूत जो परिवहन मंत्री था, उसके खिलाफ भी हमने एफआईआर हुई है। अभी दतिगांव जो 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 राज्यवर्धन जो प्रभारी मंत्री है, मुझे मालूम पड़ा कि झाबा की के जिले में कोई ग्रामीण में रह रहे हैं सभी मंत्री लोग, तो इसमें आशंका जताई जा रही है कि मतदान जो कि फर्जी होने की संभावना है, नहीं होना है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा इनके साथ में है और बौखलाहट इतनी हो गई, क्योंकि यहाँ मैं भारी मतों से विजयी हो रहा हूँ, जनता जनता मेरे साथ है, कार्यकर्ता मेरे साथ है, लेकिन कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है प्रभारी मंत्री द्वारा, जो एसपी द्वारा और कलेक्टर द्वारा, आए दिन 151 में बंद करना, कल कमरू अजनार जो हमारे नेता था, फर्जी रिपोर्ट डाल के उसको बंद किया गया था, लेकिन न्यायालय ने उनको छोड़ दिया, जो कि ऐसे कई कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। और मैं भारी मतों से विजय हो रहा हूँ, इसका जवाब 30 तारीख को जनता देगी, और मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस 30 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करें। जितने भी युवा है, बेरोजगार है, उनको भी धमकाया जा रहा है। आपने एक कल एक वीडियो देखा होगा नागर सिंह चौहान द्वारा, एक बेरोजगार युवा के साथ सवाल जवाब हुआ, बेरोजगार युवा ने सवाल जवाब पूछा कि नौकरी के बारे में, उन्होंने इतना दादागिरी करी और उस बालक से, जो कि एक बेरोजगार बालक से मोबाइल छीन के अपने पास ले गया, और वो बालक द्वारा थाने पे रिपोर्ट करने जाने पे तो थानेदार आंबुआ द्वारा उसको धमकाया, और आप रिपोर्ट डालोगे तो आपको 151 करके जेल पहुंचा देंगे। तो युवाओं से मेरा अधिक से अधिक अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 30 तारीख को ऐसा जवाब दो कि आने वाले समय में कभी ये ऐसे हरकतें नहीं करें।